पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सुहागनियों ने धूमधाम और श्रद्धा के साथ करवा चौथ मनाया। दिन भर निर्जल व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला। गुरुवार की रात घरों की छतों पर महिलाएं मिठाइयों से भरी थाली से चांद के साथ अपने पति की भी आरती उतार रही थीं। आधुनिक युग में सभी पर्व की तरह इस करवा चौथ को भी मनाने का तरीका बदल गया। मनपसंद टीवी सीरियल में करवा चौथ की धूम का असर अब रियल लाइफ पर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। इस व्रत की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो गईं। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी रचाई और फिर ब्यूटी पार्लर या फिर घर में सोलह सिंगार किया। सुबह से ही निर्जल व्रत रखा गया। मिट्टी से बना पात्र में गेहूं भरा गया और उसे ढक्कन पर मिष्ठान और दक्षिणा रखकर इष्ट देव भगवान गणेश का पूजन किया गया। इसके बाद महिलाएं गली मोहल्लों में एकत्रित हुईं और गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा का श्रवण किया। करवा समेत गेहूं, मिष्ठान, दक्षिणा आदि यानी बायना सास और बुजुर्ग महिला को दिया गया और उनसे आशीर्वाद लिया। शाम को पूजन किया गया। शाम के समय थोड़ी कठिनाई जरूर हुई, चक्कर आए, थकान महसूस हुई, पर इससे आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और व्रत जारी रखा। फिर चांद का इंतजार शुरू हुआ। चांद ने भी बादलों के पीछे खूब आंख मिचौली की। रात के समय चांद नजर आया तो महिलाओं के चेहरे खिल उठे। छतों पर पहुंची और फिर पूजा की। चलने से चांद का दर्शन किया, चंद्रमा को दीपक दिखाया, पति की दीर्घायु की कामना की। पत्नी के इस त्याग में पति ने पूरा साथ दिया और गिफ्ट देकर सम्मान किया। हैप्पी करवा चौथ सारी लेडीज को। सबने आज व्रत रखा और सच में एक फेस्टिव वाली फीलिंग आ रही है आज। सबके पति ने भी व्रत रखा है और मतलब इस व्रत में ऐसा होता है कि हम दिल से रखते हैं कि नहीं अपने हस्बैंड के लिए रखना है और साथ में अच्छा भी लगता है कि हम लोग एक फेस्टिव वाली फीलिंग लेके आ रहे हैं। और आज ये अच्छी गनीमत है कि टाइम से चांद निकल आया और लेकिन अभी बहुत से लोगों ने व्रत तोड़ा भी नहीं है लेकिन आज टाइम से मतलब सब चीज़ पूजा वूजा हो गई और इस टाइम अच्छा लग रहा है। फोटोशूट थोड़ा सा हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। करवा चौथ की तैयारी हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे। इसकी तैयारी अराउंड एक महीने से शुरू हो जाती है। लोग नए नए सारे फ्रेंड्स न्यू कपड़े लेते हैं, कोई जूली लेता है, कोई नई पाजेब लेता है, कोई बिछिया लेता है। इसमें बिछिया और पाजेब का सबसे ज़्यादा शगुन होता है क्योंकि चांदी शुभ मानी जाती है त्योहारों पर पहनी। और हम लोग हर साल करवा चौथ पे पायल और बिछुए चेंज करते हैं। कैसा क्रेज़ रहता है? और आज का क्रेज़ तो एक दिन पहले से रहता है, वो तो आप सब मार्केट में भी देख सकते हो। सारी लेडीज़ खूब सारी शॉपिंग करती हैं और आज के दिन सबसे ज़्यादा तो चांद का वेट होता है। जबकि अपनी इस बार उम्मीद नहीं थी कि चांद इतनी जल्दी निकल आएगा, फिर भी थैंक गॉड कि चांद जल्दी निकल आया। आपके पतियों ने भी सभी ने व्रत रखा है और जिस तरीके से किसने रखा? आपके पति ने भी आपके लिए व्रत? मेरे हस्बैंड तो पिछले 11 साल से मेरे लिए व्रत रख रहे हैं। फाइट होती है लेकिन हाँ व्रत जरूर रखते हैं। आज के इस दिन का कितना बेसब्री से इंतज़ार रहता है? और आज के इस दिन का हर लेडी को, हर महिला को पूरे साल भर इंतज़ार रहता है। वो अपने पति के दीते आयु के लिए व्रत करती है, उसका सुहाग हमेशा बना रहे। और मैं सभी से ये भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहूँगी कि हमेशा हर महिला सदा सुहाग रहे, सभी को हैप्पी करना चाहिए। अच्छा बताइए किस तरह से आपने इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया है आज? इस त्यौहार पर हम सब लोग जो है मेहंदी लगाते, चूड़ियाँ, लाल कपड़े वगैरह पहन के और सरगी निकलती है और सास को बायना काट के उनके पैर छूकर जो है चांद देखकर हम व्रत खोलते हैं। कैसी तैयारियाँ रहती हैं आपकी? और तैयारी इस बार बहुत अच्छी थी और हमने चूड़ी, पायल, ये मेहंदी वगैरह लगवा के जो है करवा चौथ का त्यौहार। पहले से ही तैयारियाँ की जाती हैं इस त्यौहार को लेकर? इस त्यौहार को लेके बहुत एक्साइटमेंट था और मतलब बहुत अच्छे से हमारा त्यौहार ही गया है इस बार का। चांद भी बहुत अच्छे से निकला है।